आपकी माँ आपके आज के लिए चिंतित है। मेरा बेटा सुबह जल्दी जाएगा, उसके लिए जल्दी नाश्ता तैयार करूँ। नाश्ते में वो क्या खाना पसंद करता है वही चीज़ें बनाऊँ। मेरे बेटे के कपड़े धुले हुए हैं या नहीं हैं, उसके जूते साफ हैं या नहीं हैं, जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक आपकी माँ इन बातों के लिए चिंतित रहती है। मगर आपका पिता इन बातों से बहुत दूर है, उसे कोई चिंता नहीं है बेटे ने क्या खाया है, क्या नहीं पिया है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, आज की ज़रूरतें क्या हैं। उसे आपके कल की चिंता है, मेरा बेटा कल क्या खाएगा, परसों क्या खाएगा, मेरे मरने के बाद में क्या खाएगा। पिता को केवल और केवल यही चिंता रहती है। इन्हीं चिंताओं के कारण न तो पिता अपने खुद के लिए ढंग से खाता पीता है, न ही कपड़ा अच्छा से पहनता है, और केवल उसे यही चिंता सताती रहती है कि मेरा बेटा कल क्या करेगा, मेरे बेटे का परसों क्या भविष्य होगा, मेरे बेटा अगली साल क्या कमाएगा, अगली साल उसको कौन सी परीक्षा देनी है, अगले साल की व्यवस्था करता है, उससे अगले साल की व्यवस्था करता है, उसकी शादी की व्यवस्थाएं आज से शुरू कर देता है, उसके बिजनेस की व्यवस्थाएं उसकी एजुकेशन के साथ साथ कर देता है। क्यों करता है? कि माँ केवल आज के लिए सोचती है, मगर पिता भविष्य के लिए सोचता है। हर पिता, चाहे वो गरीब हो, चाहे धनवान है, चाहे अरबपति है, चाहे करोड़पति है, चिंतित वही रहता है। अरबपतियों के बच्चों के पिता हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि मेरे बेटे खरबपति बने। गरीब का बच्चा का पिता हमेशा इसलिए चिंतित रहता है कि मेरे बेटे के पास में 50,000 रुपए आ जाएं, कैसे भी मैं कैसे भी एक दो साल दुख पा करके, परेशान होकर के, कितना भी कमा करके मेरे बेटे को हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था कर दूं। मगर परिस्थितियां कभी किसी का साथ देती हैं और कभी किसी का नहीं देती। जिनका साथ देती हैं उनको लोग कह देते हैं कि तेरे पिता ने बहुत अच्छा किया, तेरे पिता ने बहुत अच्छा किया। कुछ पिता जो इन परिस्थितियों के वशीभूत कुछ नहीं कर पाते, उनके बेटे पोतों को मैंने ये कहते हुए भी देखा है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या था, क्या रखा था आपकी कमाई में, क्या कमाया आपने। आप कहते हो मैंने इतना कमाया, उतना कमाया, कुछ नहीं किया आपने, ये कहते हुए भी सुना गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि पिता आपके कल के लिए सोचते रहे, परसों के लिए सोचते रहे, तरसों के लिए सोचते रहे, और इसी सोच सोच में वो हो सकता है पूरा नहीं कर पाए हों, मगर हमेशा उन्होंने ऐसा ही सोचा है। नमस्ते।